और वक्त हो गया है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। जी हां, क्योंकि आज बात होगी संभल पर, उसके ऊपर आए सुप्रीम फैसले की। संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर संभल हिंसा की आग में जल उठा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष सर्वे कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने याचिका डालकर इस पर सुनवाई की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हिंसा पर राजनीति क्यों हो रही है? क्यों बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है? देखिए, संभल राजनीतिक एजेंडा, कोर्ट का क्यों चला डंडा? ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है। उन्होंने हमें नकल देने के लिए आदेशित कर दिया न्यायालय ने। संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अब वो सफाई देते रहेंगे, उनको सफाई देते रहना है। मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है। पुलिस की फायरिंग, दंगाइयों की पत्थरबाजी, गिरफ्तार। और कड़ी निगरानी में संभल। ये वही संभल है जहां कुछ दिन पहले तक सब कुछ सामान्य था। लोग अपनी दुनिया में मस्त थे, लेकिन शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर मची हिंसा ने इस जिले का सुख चैन छीन लिया। जहां की बाजारों, गली मोहल्लों में भीड़ हुआ करती थी, वहां पुलिस का पहरा हो गया। जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, वहां कानून की बंदिश हो गई। संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर मची हिंसा ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। गोलियां चली, पत्थर चले, कई लोग जख्मी हो गए, तो 5 लोगों को हिंसा की आग ने ले लिया। संभल से आई एक एक तस्वीर चीख चीख कर इस बात की तस्दीक कर रही कि हिंसा की ना तो जात होती है ना ही धर्म। ये मानवता के लिए वह अभिशाप है जिसकी चपेट में जो आता है उसका सब कुछ लुट जाता है। लेकिन उसी संभल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे एक बार फिर संभल को संभाला जा सके। संभल के जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन ना ले, शांति जरूरी है। गुरुवार यानी 28 नवंबर को संभल के शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, तो जिसको लेकर सीजीआई की बेंच में इस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद सर्वे के मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने पास लंबित रखा, वहीं प्रशासन को शांति सुनिश्चित करने के आदेश दिए, वहीं मस्जिद पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट को याचिका दाखिल होने के 3 दिन के अंदर सुनवाई के आदेश दिए। साथ ही आदेश दिए कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी, इसे खोला नहीं जाएगा। वहीं कोर्ट ने मामले को लंबित रख जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई की बात कही। ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है, जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा, तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है।
संभल के जामा मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं होगी और हाई कोर्ट जब तक कोई आदेश नहीं देता है तब तक निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि कोर्ट कमिश्नर ने जो सर्वे किया है उस सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, उस सर्वे की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने पास भी लंबित रखा है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। 8 जनवरी को संभल की निचली अदालत में सुनवाई होनी है और इस बीच मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष जैसे ही वहां याचिका दायर करेगा उसके अगले 3 दिन यानी 3 वर्किंग डे में सुप्रीम हाई कोर्ट उस मामले में सुनवाई करेगा। इससे पहले संभल की चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया। इस पर शाही जामा मस्जिद के वकील शकील अहमद वसीम ने कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब मस्जिद में कोई सर्वे नहीं होगा। आज हमने मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकलें मांगी वादी पक्ष से, उन्होंने हमें नकलें देने के लिए आदेशित कर दिया। न्यायालय ने 8 जनवरी मुकर्रर कर दिया। आज क्या सर सर्वे की रिपोर्ट भी पेश? सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई, दरखास्त दी उन्होंने कि टाइम दे दिया जाए और उस पर हमने आपत्ति कर दी दाखिल करने के लिए दोबारा से। नहीं नहीं नहीं, कोई सर्वे नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भले ही संभल में चीजें सामान्य हो जाएं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हिंसा पर राजनीति क्यों हो रही? बार बार कोर्ट के दखल की जरूरत क्यों पड़ती? आखिर सर्वे के नाम पर राजनीति करना कितना जायज है? प्रदेश की सियासत में धर्म की राजनीति को किसी भी सूरत में ठीक नहीं ठहराया जा सकता। विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के पीडीए को टारगेट कर रहा है और खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को, तो वहीं सत्ता पक्ष इस आरोप को विपक्ष की साजिश करार दे रहा है। लेकिन सियासत की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो है आम जनता। संभल में हिंसा पर यूपी में सियासत चरम पर, लगातार इसको लेकर राजनीति हो रही। एक तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी यानी सत्ता पक्ष पर जानबूझकर हिंसा कराने का आरोप लगा रही, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष को इसका जिम्मेदार मान रहा है। संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 तारीख को फैसला सुनवाना कि उसका सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों को या संभल के लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी, पूरा सर्वे हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया और दोबारा सर्वे हुआ। अगर दोबारा सर्वे की बात हुई तो कम से कम वहां पर जो जिम्मेदार लोगों थे उनसे बातचीत करनी चाहिए प्रशासन। उत्तर प्रदेश में जब चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है तो कोई कानून से खिलवाड़ ना करे। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो चुनाव में हुई है उसकी खीज उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी, चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो। वह मैं जानता हूँ समाजवादी पार्टी गुंडे अपराधी माफिया दंगाई भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है और उसमें जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून के खिलाफ जो कार्रवाई होती वो भी करेगा। दरअसल एक बात साफ है कि 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों अपनी जमीन को मजबूत करने में लगे। ऐसे में ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष किसी मुद्दे को छोड़ने को राजी। ऐसे में संभल की घटना ने एक बार फिर प्रदेश में हिंदुत्व बनाम पीडीए की जंग को तेज कर दिया है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो उठे। अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां का प्रशासन जिम्मेदार है और अगर ये होर्डिंग जुर्माना उनके नाम जारी करना तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे। कम से कम उनके नाम तो जारी हो, दोषी वही लोग भी हैं क्योंकि सर्वे की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे जा सकते हैं। और
ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है, दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई है उसमें आम आदमी पिस रहा है, जनता पिस रही है। अब वो सफाई ही देते रहेंगे, उनको सफाई देते रहना है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, हमें उसकी परवाह के बगैर आगे बढ़ना है, आगे की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि संभल कोई पहली घटना है जिसको लेकर प्रशासन के निर्णय पर कोर्ट ने दखल दिया है। इससे पहले भी प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी जिसमें सरकार और प्रशासन के फैसलों को कोर्ट ने पलट कर रख दिया। संभल हिंसा ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसका समाधान ढूंढा जाना जरूरी हो जाता है। संभल को लेकर एक तरफ कोर्ट ने आदेश दिए तो दूसरी तरफ संभल में जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए करीब 1000 लोग पहुंचे। हालांकि शाही इमाम ने लोगों से अपील की थी कि जामा मस्जिद के बजाय अपने अपने घर के पास की मस्जिदों में नमाज अदा करें, लेकिन फिर भी कड़ी निगरानी में कई लोग नमाज अदा करने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने मस्जिद के आसपास पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे जिसके वजह से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। संभल की शाही जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुई और तमाम नमाजी जो हैं वो अब एक एक करके मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। शाही जामा मस्जिद में आज जब जुम्मे की नमाज थी उस दौरान बेहद चुनौतीपूर्ण पुलिस के लिए माहौल था आज का दिन, क्योंकि जिस तरीके से ये 24 तारीख की घटना हुई थी उसको लेकर पुलिस और प्रशासन पूरे अलर्ट पर था और लिहाजा आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट में भी मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन जो चंदौसी कोर्ट है वहाँ पर सुनवाई टली। अब 8 जनवरी को अगली सुनवाई होगी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। लेकिन देखिए तमाम नमाजी एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और हर कोई शायद यही दुआ मांग रहा है कि संभल में जल्द से जल्द हालात सामान्य हो सकें। शुक्रवार की नमाज से पहले इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, आरएफ के जवान जगह जगह तैनात दिखे। उधर इस मामले में पुलिस लगातार दंगाइयों को चिन्हित कर धरपकड़ में लगी। अभी तक 30 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका, वहीं कई अवैध हथियार भी पुलिस ने जब्त किए। संभल में स्थिति सामान्य है, बाजार और स्कूल वगैरह सब खुले हुए हैं, एहतियातन वहां पर इस समय फोर्स लगाई गई है। अभी तक जो गिरफ्तारियां थी 27 गिरफ्तारी थी, उसमें एक व्यक्ति को 151 में चालान किया गया तो उसको भी जेल भेजा जा चुका है, तो टोटल 28 लोग हैं जिनको जेल भेजा जा चुका है। और आज 3 लोगों को जो आपस में उनकी बातचीत पकड़ी गई थी जिसके आधार पर जो जिन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया उनमें से 3 को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ के आधार पर और भी लोगों को चिन्हित किया गया है, अभी आगे पूछताछ जारी है। धीरे धीरे ही सही लेकिन संभल संभलने लगा। हालांकि पुलिस अभी भी चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके, कोई दोबारा से माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। तो लिहाजा जो शाही जामा मस्जिद है उसके आसपास के तमाम इलाकों से जो जहां पर अभी भी मलबा ईंट पत्थर पड़े हुए हैं वहां से की सफाई कराई जा रही है। लगातार प्रशासन पिछले 4-5 दिनों से इसी तरीके की कवायद में जुटा हुआ है और कोशिश यही है कि जो शांतिपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर कायम है वही हालात बने रहें, अमूमन हालात दोबारा से ख़राब करने की कोई भी कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ खुफिया इनपुट्स इस तरह के भी मिले हैं कि कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लिहाजा इंटरनेट पर बैन भी लगातार जारी है और दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रशासन लगातार अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है और देखिए आपने खुद देखा कि तरीके से गाड़ियों को भर भर के यहां से मलबे को हटाया जा रहा है। संभल में हालात क्यों खराब हुए, किसने हिंसा फैलाई, ये तो जांच का विषय है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है कि आखिर संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, क्यों हर मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढने की कोशिश हो रही, आखिर सामाजिक सौहार्द के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा। हालांकि संभल को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो जांच का विषय है, लेकिन यूपी के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो एक बात तो साफ है कि अब यूपी में बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले स्टैंड पर कायम रहने वाली और उसी के सहारे 2027 की चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली और इसकी झलक उपचुनाव में अपने हर प्रचार में योगी के हिंदुत्व वाले बयान से साफ नजर आने लगा।
हमने कभी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। ये जो कार्य हुआ है, जिन लोगों को नहीं करना था वे प्रश्न पहले खड़ा करते थे, आपके अस्तित्व के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है।